हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यूट्रोफिल के बारे में बात करने वाले हैं और उसकी बढ़ी हुई कंडीशन न्यूट्रोफिलिया की। बहुत कॉमन क्वेरी है, सबसे ज़्यादा जो टेस्ट कराया जाता है नॉर्मल किसी हेल्थ रिलेटेड कंडीशन में वो CBC और TND है। उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उभर के आती है वो न्यूट्रोफिल का बढ़ना है, उसको न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, न्यूट्रोफिल क्या होता है, कहाँ बनता है, इसका क्या काम है, न्यूट्रोफिलिया कब बोलते हैं, कौन सी कंडीशन में न्यूट्रोफिल बढ़ता है और साथ में इसको कैसे कम करने का क्या उपाय है। तो सबसे पहले जानते हैं न्यूट्रोफिल एक टाइप का WBC, 5 टाइप के होते हैं। उसमें न्यूट्रोफिल मोस्ट कॉमन WBC श्वेत रक्त कण का है। इसका जो NRO वैल्यू है वो 40 से 70% होती है। बोन मैरो में बनता है, ब्लड में सर्कुलेट होता है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर इसका जो बेसिक काम है इम्यूनिटी का प्रतिरक्षा को प्रोवाइड करता है। नॉर्मल रेंज जो ब्लड में होती है इसकी 40 से लेकर 70% आपको जो रिपोर्ट मिलती है उसमें परसेंटेज में इसकी वैल्यू रहती है, तो 40 से 70% तक नॉर्मल हो सकता है। न्यूट्रोफिलिया कब बोलेंगे, जब इनका लेवल बढ़ जाए, मतलब 40% से जब ज़्यादा हो जाए तो उसको न्यूट्रोफिलिया बोलेंगे। पर एक कंडीशन और होती है वो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट ANC। ANC का मतलब है कि आपके पर यूनिट वॉल्यूम में, पर क्यूबिक एमएम ब्लड में 7500 से ज़्यादा न्यूट्रोफिल का लेवल चला गया है वो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिलिया। उसको निकालने वो रिपोर्ट्स में यूजली नहीं दी होती, उसको निकालने का फार्मूला है कि टोटल WBC काउंट इनटू परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल अपन 100 करेंगे तो ANC की वैल्यू आ जाएगी। ANC ही सबसे अच्छा मेजर होता है न्यूट्रोफिलिया का पता करने के लिए। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन सी कंडीशन में न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है या न्यूट्रोफिलिया होता है। याद रखना, न्यूट्रोफिल का बढ़ना हमेशा इन्फेक्शन नहीं है, जैसे कि आम धारणा है। रोज बहुत सारे लोग आते हैं, सर मुझे कोई दिक्कत नहीं पर न्यूट्रोफिल तो बढ़ा हुआ, कल बढ़ा था, आज 2 दिन बाद ठीक हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न आज समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऐसी कौन सी कंडीशन है बिना बीमारी के जिसमें न्यूट्रोफिल बढ़ सकता है। वो कंडीशन है आपने अगर हैवी एक्सरसाइज कर ली है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत कर रहे थे 1-2 दिन से, सिगरेट स्मोकिंग है, अगर आपको इमोशनली अनस्टेबल है, मतलब एंगजाइटी है, फियर, उस कंडीशन में एड्रेनलिन निकलेगा और बढ़ा देगा। छोटे बच्चे जो 1 मंथ से कम के होते हैं उसमें न्यूट्रोफिल का बढ़ना नॉर्मल बात है, मतलब 17,000-18,000 तक ल्यूकोसाइट हो सकता है। गर्भवती महिलाएं, उसमें न्यूट्रोफिलिया आम बात है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान न्यूट्रोफिलिया हो, तो ये सारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, बिना बीमारी के न्यूट्रोफिलिया हो सकता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं सेकंड कंडीशन बीमारी वाली पैथोलॉजी। में पहली कंडीशन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में पायोजेनिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन, चाहे वो पेशाब का इन्फेक्शन UTI हो, किडनी का पायलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हेपेटाइटिस हो गया हो, एंडोकार्डाइटिस हो जाए, ठीक है, बोन का ऑस्टियोमेलाइटिस हो जाए, इसी तरीके से अगर गाल ब्लैडर का इन्फेक्शन, कोलेसिस्टाइटिस हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, ब्रेन में मेनिनजाइटिस, एंसेफलाइटिस, स्किन का इन्फेक्शन, इस तरह के इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बढ़ना कॉमन है। ये अक्यूट कंडीशन होती है, न्यूट्रोफिल प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। जो सेकंड कंडीशन है वो इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब पस इकट्ठा, WBC कहीं पे कलेक्शन हो जाए उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। वो छोटे छोटे बॉयल, फरेंकल, कहीं भी एब्सेस बन जाए उस कंडीशन में हो सकता है। इसमें जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, गाउट का केस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हड्डी की कोई क्रोनिक इलनेस है, ये सारे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की श्रेणी में आते हैं। तीसरी कंडीशन है टिश्यू डैमेज हो जाए, चाहे वो ट्रामा से हो, ब्लंट ट्रामा से, या कुछ अंदर घुस गया पेनिट्रेटिंग इंजरी से हो जाए, ठीक है, टिश्यू बर्न से हो जाए, टिश्यू डैमेज में पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में टिश्यू डैमेज हो जाए, उस कंडीशन बढ़ जाएगा। साथ में अगर कहीं सिकल सेल डिजीज में जैसे निक्रोसिस होती है उस कंडीशन में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक आया है, या पल्मोनरी लंग्स में इन्फार्क्शन हो गया, ठीक है, राइट। ड्रग्स की कंडीशन है, कार्टिकोस्टेरॉइड दे दिया, एड्रेनलिन दे दिया, इस कंडीशन में बढ़ जाएगा। अक्यूट हेमरेज हो रहा है, अक्यूट हीमोलिसिस हो रहा है कहीं से, ठीक है, हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया है, कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटिक कीटोसिस बहुत कॉमन कंडीशन उसमें हो जाता है। इस तरीके से अक्यूट एलर्जिक कंडीशन है, कुछ कैंसर होते हैं जब ज़्यादा फैल जाते हैं, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, सॉलिड कैंसर, वो भी फिर न्यूट्रोफिलिया कराते हैं। और एक ब्लड का कैंसर है CML, क्रोनिक मायेलोइड ल्यूकेमिया, जिसमें भी न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ा हुआ हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन है, फ्रैक्चर हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये सारी कंडीशन में न्यूट्रोफिलिया हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि न्यूट्रोफिल कितना बढ़ा, न्यूट्रोफिल बढ़ने का को आपको हमेशा टोटल WBC काउंट से कोरिलेट करके ANC निकालना है, तभी उसे समझ में आएगा कि एक्चुअल में कितना न्यूट्रोफिल बढ़ा है। उससे हम समझ पाएंगे कि माइल्डली बढ़ा है कि मॉडरेटली कि सीवियरली बढ़ा है, और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है कि क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि अगर सीवियर न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन है तो उसमें और न्यूट्रोफिलिया के अलावा क्या मिलता है। तो एक कंडीशन होती है शिफ्ट टू लेफ्ट,
छोटे बच्चों में बहुत देखा, सिफ्ट लेफ्ट का मतलब है कि जो बोन मैरो में बन रहे थे उसके प्रिकर्सर न्यूट्रोफिल के आने लगे हैं, बैंड सेल आने लगा है, मेटामायलोसाइट आने लगा है, मायलोसाइट आने लगा है, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट। साथ में जब माइक्रोस्कोप से डॉक्टर देखते हैं तो उनको टाइजी ग्रेनुलेशन मिलता है, टाइजी वैक्यूलेशन मिलता है और साथ में डोलो बॉडी मिलती है। सारा इंडिकेशन है कि सेप्सिस हो रहा है और सीवियर इन्फेक्शन। बहुत सारे लोगों को 40,000 45,000 50,000 हो सक जाता है कई बार WBC काउंट और न्यूट्रोफिल। वो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सीवियर इन्फेक्शन हो जाए या कि हेमरेज हो जाए या कैंसर की आखिरी स्टेज चल रहा है, और किसी के काउंट अगर 1 लाख से ऊपर आ जाए, 90,000 1.5 लाख आ जाए, तब आप समझो कि वो कैंसर की कंडीशन होनी चाहिए। ज़्यादातर केस में कैंसर की, ब्लड कैंसर की कंडीशन CML की होनी चाहिए। तो ये सारे न्यूट्रोफिलिया का अब देखते हैं कि इनको कम कैसे किया जाए, क्या उपाय है कम करने के। न्यूट्रोफिल कम करने का सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्यों बढ़े हैं। एक्सरसाइज, स्मोकिंग, इन सबसे करने जो रेस से ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी बीमारी से, इन्फेक्शन से है तो पर्टिकुलर आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, एंटीफंगल, एंटी प्रोटोजोअल, जिस कंडीशन से बढ़ा है। अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको हटाएंगे या सर्जरी करेंगे, अपेंडिक्स बढ़ा है अपेंडिसेक्टॉमी करना है, गॉल ब्लैडर से कोलेसेक्टॉमी करनी है, ठीक है। इसी तरीके से रेस्ट करना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई में पैरासीटामॉल और आइबुप्रोफेन, निमोसुलाइड, साथ में स्टेराइड, कार्टिकोस्टेरॉइड, बेड रेस्ट और मल्टीविटामिन, ये सब न्यूट्रोफिल कम करने के उपाय थे। तो दोस्तों ये सारा हमने न्यूट्रोफिलिया के बारे में आज मैंने आप लोगों को बताया। अब जब भी कभी न्यूट्रोफिलिया किसी की रिपोर्ट में मिलेगा या आपकी या किसी आपके रिश्तेदार की, तो न्यूट्रोफिलिया को समझने में आपको आसानी होगी कि उस कंडीशन में बढ़ता है और किस केस में नॉर्मली ये हॉस्पिटलाइजेशन जरूरत है, नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा।